तो यूपी में छठे दौर के चुनाव के लिए आज प्रचार का शोर थमेगा। 4 मार्च को पूर्वांचल के 7 जिले और यहां 49 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। गोरखपुर के अलावा आजमगढ़, मऊ, महराजगंज, कुशीनगर, देवरिया और बलिया में मतदान होगा। करीब 1,72,00,000 वोटर्स हैं, 635 उम्मीदवार हैं जिनकी राजनीतिक किस्मत तय की जाएगी। आज ही मणिपुर विधानसभा के पहले चरण के लिए भी चुनाव प्रचार खत्म होगा। 4 मार्च को मणिपुर की 38 विधानसभा सीट्स पर भी वोट डाले जाएंगे। तो छठे चरण में जिन 7 जिलों में वोटिंग होनी है वो सभी के सभी जिले पूर्वांचल में आते हैं, लेकिन पूर्वांचल में किसान बेहाल हैं। सियासी वादा करते हैं लेकिन वो कभी पूरे नहीं होते हैं इनके साथ। यहाँ के अहम मुद्दे आप इस रिपोर्ट में देखिए। पश्चिम से शुरू हुआ यूपी का दंगल पूर्वांचल के दहलीज पर पहुंच गया है। छठे चरण में यूपी के जिन 7 जिलों की 49 सीटों पर वोटिंग होनी है वो सभी पूर्वांचल में आते हैं। इन इलाकों के मुद्दे भी कुछ अलग और अहम है। गोरखपुर के मुद्दे, गोरखपुर जिले में सबसे अहम मुद्दा गन्ना किसानों की बदहाली है। दूसरा सबसे अहम मुद्दा इंसेफ्लाइटिस, जिससे गोरखपुर सालों से जूझ रहा है। राजनीतिक कारणों से हमेशा इसके साथ अन्याय हुआ और किन्हीं न किन्हीं कारणों को दिखाते हुए इसको बंद कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि हमारे क्षेत्र में गन्ना की उपलब्धता कम है, चीनी का ये कटोरा कहा जाता था, ये हमारा बेल्ट 31 से ज़्यादा चीनी मिले इस क्षेत्र में थी, लेकिन वो केवल राजनीतिक कारणों से बंद हुई। आज जितना गंदा पानी है सब बाहर बना रहता है, लड़कों को स्कूल जाना आना सब बंद है। विधायक जी आते हैं, लोग अपनी समस्याएं कहते हैं, विधायक जी कहते हैं ठीक है काम हो जाएगा, आश्वासन देते हैं, उसके बाद हम लोग जाते हैं प्रशासन के लगे भी कई बार गए, कुछ नई कार्रवाई होती है। देवरिया जिले का हाल भी कुछ गोरखपुर जैसा ही है। यहाँ भी किसानों की समस्या सबसे अहम है। इसके अलावा स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था का मुद्दा भी है। तो गढ़वा के सामने पुल है, उसमें फाटक नहीं है। अभी 10 दिन के बाद पूरा तालाब भर जाएगा, जो लोग खेत बोएंगे बुड़ जाएगा सारा। यहाँ पे पुल है, इसमें अभी फाटक नहीं है, बोरा लगा के भवन किए हम लोग। हमारे गांव में पुल गड़ गया है, उस पर तार अभी नहीं गया है, बिजली नहीं मिलता है, बिजली 4 घंटा 8 घंटा रहती है। यहाँ सड़क की समस्या सभी लोग देख रहे हैं कि पूरा सड़क जो है जर्जर हो चुका है। इतना ही नहीं, वर्षों पहले 15 साल पहले जो सड़कें बनी हैं आज तक उसका ये रिपेयर तक भी इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर नहीं हुआ है। विधायक उस काम क्या है विधायक का, यहाँ कुछ लोग लगता ही नहीं कि विधायक वहाँ जो अपना घर बनवाए हैं 3 मंजिला में देखा हूँ। आजमगढ़ में बुनकरों की बदहाली, बेरोजगारी, सड़क, बिजली और कानून व्यवस्था अहम मुद्दा है। इन समस्याओं को दूर करने का वादा नेता हर 5 सालों पर करते हैं लेकिन वो फिर चुनाव में ही नजर आते हैं। मुबारकपुर इस समय बहुत खराब चल रही है, जिसके कारण कारोबार नहीं चल पा रहा है, इसमें हम लोग अपने परिवार का जिया नहीं पा रहे हैं, न पढ़ाई करा पा रहे हैं। उस हालात से लेकर हम लोग को बच्चों को भी बेरोजगारी से और उससे हम लोग को काम कराना पड़ता है, नाबालिग बच्चों से काम कराना पड़ता है, उससे हम लोग का पेट पाल से चलता है। कि आप बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे, आप कमाई है ही नहीं तो कहाँ से पाएंगे हम। अब एक इतने बड़े बच्चे हैं, देख लीजिए ये भी है, अब इसको जो है कि 1-2 महीने 5 साल जात इसको भी कार्यक्रम में लगा देंगे, कमाई नहीं है, लेकिन जब करेंगे नहीं खाएंगे कहाँ से, भुखमरी करेंगे नहीं तो क्या करेगा, ये काम क्या करेगा। बस वही बुनाई में घुसेगा, कढ़ाएगा, 2 पैसा आएगा। हम लोग सिर्फ काम करते हैं, पढ़ नहीं पाए हैं, ये परेशानी थी। मुबारकपुर की जो हालात है दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं, बस उसी वजह से हम लोग नहीं पढ़ पाए। जो अभी पढ़ रहे हैं वो भी परेशान है, उनकी पढ़ाई अच्छी तरह नहीं हो पा रही है जो हालात के हिसाब से है। अच्छा, काम क्यों करना पड़ता है, अपने खर्चे के लिए या परिवार का खर्चा? नहीं, परिवार का खर्चा उठाने के लिए काम करते हैं। मऊ में बदहाल सड़क व्यवस्था अहम मुद्दा है। इसके अलावा बिजली, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए पलायन अहम मुद्दे हैं, जिन पर सरकारों को ज्यादा काम करने की जरूरत है लेकिन जनता को किए गए वादे कभी पूरे नहीं हुए। आपके इलाके में विधायक आते हैं कभी? कभी कभी आते हैं तो क्या हम लोग के लाभ है, कुछ नहीं है। विधायक के काम से संतुष्ट है? कौन काम से संतुष्ट है, कौन कुछ जब करबे ना करें, गैले पर सुनबे ना करें। एक तो सरकारी लापरवाही ये है कि अब हमारे यहाँ पावर लूम हो गया हैंडलूम से, इसलिए जितनी भी मराहत मिलती थी, जितनी भी छूट मिलती थी, सब की सब चली गई, वो हमें मिलती नहीं है, नाम मात्र बस बुनकर हम रह गए हैं।
छठे चरण में 4 मार्च को 1,72,86,327 मतदाता 635 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। और लखनऊ में छठे फेज के लिए चुनाव के लिए एडीआर ने रिपोर्ट जारी की है और एडीआर के मुताबिक छठे फेज में आपराधिक छवि के 20% उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा 49% दागी छवि के उम्मीदवार बीएसपी में हैं, जबकि इस मामले में 40% के साथ बीजेपी दूसरे, 38% दागी उम्मीदवारों के साथ समाजवादी पार्टी तीसरे और 30% उम्मीदवारों के साथ कांग्रेस चौथे नंबर पर है। 25% करोड़पति उम्मीदवार इस फेज में चुनावी मैदान में है। छठे फेज में बीजेपी में सबसे ज्यादा 73% करोड़पति उम्मीदवारों के साथ नंबर वन पर है, जबकि बीएसपी 71% है इसमें और समाजवादी पार्टी में 70% करोड़पति उम्मीदवार है। आजमगढ़ के मुबारकपुर से बीएसपी प्रत्याशी शाह आलम के पास सबसे ज्यादा 168 करोड़ की चल अचल संपत्ति है। सभी छठे चरणों में विभिन्न राजनीतिक दलों ने 20% अपराधियों को और 25% करोड़पति चुनाव मैदान में उतारे हैं। छठे चरण के चुनाव में दागियों का बोलबाला है। 20% अपराधी चुनाव मैदान में, सबसे ज्यादा अपराधी बसपा ने और करोड़पति सबसे ज्यादा भाजपा ने उतारे, ठीक है। और इसमें जो है आजमगढ़ के मुबारकपुर जिले से बसपा के शाह आलम उर्फ गुड्डू जमालिक पर 118 करोड़ रुपए की संपत्ति उन्होंने दर्शाई है, जबकि चिल्लू पार से बसपा के प्रत्याशी विनय शंकर तिवारी ने 67 करोड़ रुपए की संपत्ति शपथ पत्र में बताई है। तीसरे सबसे अमीर प्रत्याशी नौतनवा के हैं, महाराजगंज के, वो भी बसपा प्रत्याशी है एजाज अहमद, जिनकी कुल संपत्ति 52 करोड़ रुपए है। इनमें मऊ के जो बसपा प्रत्याशी हैं मुख्तार अंसारी, उन्होंने अपने ऊपर सबसे ज़्यादा 6 करोड़ रुपए का, और मुबारकपुर से बसपा प्रत्याशी गुड्डू जमाली ने अपने ऊपर 2 करोड़ रुपए का कर्ज बताया शपथ पत्र। और यूपी में चुनाव प्रचार का दौर जारी है, इसी क्रम में आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आजमगढ़ में रैली करेंगे। इसके बाद अमित शाह गोरखपुर में रोड शो करेंगे और इस रोड शो में सांसद महंत आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बलिया में अपनी कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी महराजगंज और वाराणसी में रैली करेंगे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती चंदौली में अपनी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव चंदौली और गाजीपुर में चुनाव प्रचार करेंगे।